ईमानदारी के नाम पर यूपी में राज करने वाली योगी सरकार पर उन्हीं के कुछ तथाकथित ईमानदार अफसर अब दाग लगाने पर तुले पड़े हैं। मामला सीरियम सिटी गोरखपुर का है, जहां सिंचाई विभाग के दो दागी जूनियर इंजीनियर आज भी विभाग के मेहरबानी के कारण पद पर बने हुए हैं। पूरा मामला सिंचाई विभाग बाढ़ खंड 2 गोरखपुर का है, जहां साल 2017 में गोरखपुर के राप्ती नदी के दाएं तट पर ग्राम बरुईया में निर्मित बोक्ता बर्बाद तटबंध के सुरक्षात परियोजना, जिसकी लागत करोड़ों में थी, उसका काम सही मानक के साथ किया ही नहीं गया। विभाग के जांच में इस बात को खुद स्वीकारा गया है कि तय मानक के साथ सही काम साहब लोगों के द्वारा किया ही नहीं गया। इसको ऐसे समझिए कि जहां जरूरत 10 बोरी बालू या मिट्टी की होनी थी, वहां साहब लोगों ने मात्र 2 बोरी लगाकर काम तमाम कर दिया। इसके अलावा जियो सीट, जियो बैग्स एवं पार्को पाइन जांच टीम द्वारा घटिया पाई गई। इस पूरे मामले में विभाग द्वारा गंभीर अनियमितताओं के लिए उपेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार को उत्तरदायी पाया गया है। यही नहीं, विभाग द्वारा सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई, मगर पिछले 3 सालों से सब कागजी है और अभी भी विभाग में इन दागी जूनियर इंजीनियरों को सरकार के अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर लगाया गया है और विभाग के अधिकारी द्वारा सरकारी धन का अनेकों बार हेडवाइट डाइवर्जन कर गलत कार्यों का भुगतान किया जाता है। अब समझिए खेल कितना बड़ा है और सारा खेल कमीशन का है और असल में कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। करोड़ों भटकने वाले साहब लोग आज भी यथावत गद्दी पर बैठे हैं और काम पर काम उठा रहे हैं। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री के शहर में जब इस तरह का घोटाला सामने आ रहा है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दागी इंजीनियरों पर सरकार कोई सख्त कदम उठाती है या फिर ये मामला यूं ही ठंडे बस्ती में पड़ा रह जाएगा।